Hey guys, so welcome back to my channel. So today I'm back with a video of Amy Wei, and I think this is the latest video of Amy Wei, or I am so late for this video, I know that. So uske liye I'm really so sorry guys. So this video is Amy Wei, the mind behind official short documentary. So this is like a documentary on Amy Wei, and I really want to see that. So I've already get lots of DMs and also in the comment section ki is wale video ke upar fatafat se video banao, and I was like, oh my god, shit, I am like, I know I am so late for this video. So if you want to see more videos like this and still not subscribe my channel, so just go and subscribe my channel right now. And if you like this video, so make sure to hit the like button on my today's video. So without any further ado, let's start this video. Obviously, nothing to be done. जब मैं बीस साल का था, my mind is free. मैं रुकता नहीं, I don't stop. यहाँ पे रुकने का नहीं, सिर्फ चलते रहने. यहाँ रुकने का नहीं, चलते रहने. तो कल्ली का माल लेके भरते रहने. सूरज का किरण को ढलते रहने का, सिर्फ चलते रहने का, निकलते रहने का. What? The mind behind, okay. जैसे मैं अभी हार्ड हूँ, वैसे मैं बचपन में बहुत हार्ड नहीं था, लेकिन स्कूल के समय में मैं दिमाग से थोड़ा बबलू था और थोड़ा सा ज्यादा काला मोटा हुआ बबलू था. पैक करके सीधे इनवेल लगा के एकदम सीधा साधा बच्चा था. टेंथ में मैं क्लासरूम में बैठा था, मेरे पीछे मेरा एक दोस्त है, वो एडमिन का नॉर्थ फील्ड का. फिर मैंने भी घर पे गया, मैंने देखा सोच मारा होता ओके हार्ड है. एक इंसान अक्खा स्टेज में अकेला बाहर निकल रहा है और पूरे मैदान में कचरे इस पब्लिक है और सब उसको देख रहे हैं. और ऑल लाइक शाउटिंग फॉर एवरीवन. सो आई वाज लाइक शिट, ये है कौन जिंदगी में बनने का, कभी सब बनने का और ना कुछ नहीं करने का. ये है फन चाहिए कि मैं आकर तो मैंने बोला लोग बिलाल बहुत और नाम साउंड कर रहा है, एक रैपर इस्लाम के अंदर चल रहा था. मेरे को सब लोग बिल्लू सैंडविच बिल्ली चिढ़ाते थे, बहुत चिढ़ाते थे स्कूल में सारे ये नाम को लेकर. What I did was like Eminem का EMI दिया, EMI for Eminem. मतलब पूरा तो मेरे साथ इसमें लिविंग का रेंज जो है उससे W ने बाइक ले लिया, तो एनी वे ऐसा बन गया. देन मैंने खुद देखा कि शॉर्ट स्कूल बोला वाओ ये हार्ड ना बोल गया. तो पापा को मैंने पहला गाना रिकॉर्ड किया, मैं मेरे भी पापा जी को मैंने गाना बनाया. चलो वाह, ये नहीं चलने वाला जो कर रहा है इंग्लिश में रहा, वो डिक्शनरी खोल के नहीं बैठना रहा. जो लोग रोड में बात करते हैं वो आगे में बता, कुछ कर रहा है तो बनता ही करते. ओके मैंने स्टार्ट राइटिंग तो मेरे पेन से पहला वर्ड निकला और बनता है क्या बोलते तुम नशा मानी करके पीए चाइनीज ही कम कोई मारे दम तो कोई चिलम सब पुकारे ये नाम बोले बम बम और मैं उपमा को सुना बम बोले एक नंबर. हम तो भारी दिख रहा है. wow. तो मैंने सोचने लगे कि हाउ डू यू लाइक हाउ डू यू नो अबाउट ऑल दिस लैंड. मेरे जो एरिया है वहाँ की बोली जो है रस्ते में सुन सुन के कहीं ना कहीं मैंने शायद से मैंने बहुत कुछ सुना हो. इसकी वजह से मेरे दिमाग में सब फिट हो गया है सब. जो सुनता हूँ मैं वही लिखता हूँ. ओके तो और वही चीज मैं गाने में सुनाता हूँ.
Wow. स्टूडियो स्टूडियो बस डिपो के ऊपर और मेन सीन ये है कि रात को हम लोग फ्रीस्टाइल करते थे, पुलिस का डब्बा जा रहा, नीचे बसों जा रही थी और उनको किसको भी सच्ची में आइडिया ही नहीं है बिल्कुल भी कि ऊपर स्टूडियो है और ऊपर ऐसा फ्रीस्टाइल होता है, लोग गाने वाने में जाके रात को मचाते हैं। ये अंडर का म्यूजिक है, इस वो अंडर का म्यूजिक ही सॉल्व करो। मुझे पूरा माने छोटे आने दे मोहन भाई आने जिंदगी गंदगी बोलते हैं सब लेकिन गंदगी अंदर मेरे इतना सारा क्या खाना खाता पूरा लेकिन फिर भी आता और जो समझ जाता है एक नशा होता है मुंबई से दिल्ली तक तो मैंने जैसे बीट लगाया तो मेरे मुंह से अपने आप पता नहीं मैं लगा अपने मुंह से निकला मेरा पहला वर्ड हाँ मैं मुंबई से दिल्ली तक। इसके बाद क्या मुंबई से दिल्ली तक तक को राइम करना है किसके साथ मुंबई का संजय दत्त मुझे दत्त तक नहीं है बट दत्त और तक कहीं ना कहीं राइम हो रहा है आगे क्या कर सकता हूँ तो मैंने क्या कर दिया मुंबई का संजय दत्त कौन मैं क्योंकि वास्तव है गाने सारे गाने मेरे भरे पड़े सच्चाई से वास्तव मतलब संजय दत्त का पिक्चर था वास्तव मतलब सच्चाई क्योंकि वास्तव है गाने सारे मेरे कोटा करना नहीं क्योंकि मला घर माए बच के संभल के ना हल्के मेरे ना मुझे तुम जैसे करके आंखों में झलके के मलके तू आए ना हाँ पे जो भी मेरे तू मेरा राइट की मेरा रुक कभी ऐसा चलता है ऊपर से नीचे बातें कभी आगे से पीछे को उगलता बेटी है जन कभी बीच में कभी रुक जाता है कभी कुछ और नया लाइन मुंबई से दिल्ली चल फटाफट सुन के वो पंक्ति ये बात नहीं भाई मैंने दिया तुझे इसे गॉड गिफ्ट कहते हैं चल या चल के डर सिर्फ इतने बात मेरे करे छोटे हाफ मर्डर हाँ ब्रदर मजा आ मतलब कितना ज्यादा कितनी जल्दी इनका दिमाग चलता है लाइक वर्ड पे वर्ड वर्ड पे वर्ड सो इनक्रेडिबल सो अमेजिंग slow rap, chill rap, hard rap, chop rap. मैं स्टडी के टॉपिक के बारे में मैंने सारे लिसन कर रखा है बहुत लोग बोलते बड़ा 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 करता है तू समझ नहीं आया बट तू वो बड़ा बड़ा के साथ तू स्लो भी रखोगे ना तो लोग उसको सुनेंगे जो बनता है सैंग बहुत कावा है ये पटेली हटेले ये सब वर्ड कर वो खुद ही खुद में कड़े 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 कड़े
Exactly. That's what I'm saying. Yes. तो जब मैं रात कर दो तो मैं मेरी अलग दुनिया में पहुंच जाऊँ और उस वक्त बिलाल ऑफ और मेरे मूड ऑन हो मैं स्टेज में जाने वाला बहुत डरता था बट जब मैंने रात सुना रात चालू किया गाना गाना बनाना चालू किया तो मैं मेरे एरिया में पप्पू करके एक बंदा मेरा एक दोस्त है वो गणपति बिताता है तो सत्य मन में गणपति राव से मेरे को फोन किया शाहरुख किधर है बोला ये बटाना लेके घर पे जा रहा बोला जल्दी जल्दी फटाफट सत्य मन में उसने बोला कि स्टेज पे रात कर बोला नहीं 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 ऊपर नहीं चलेगा मैं डरता हूँ तो बोला अगर आज नहीं चलेगा तो कभी नहीं चलेगा फटाफट बटाना फेंका है मैंने स्टेज पहले काम रहा था बट मैंने जब रात किया ना और पहली बार मेरे लाइफ में लोगों ने अच्छा वो ताली सुनाई तो ये कांपना बंद हो गया Nice. मैं एक ही हूँ मैं दो दो तो मेरे अंदर एक और एक और लिख रही हूँ जो बहुत बोलता है Always practicing. सो दिस इज द माइंड बिहाइंड डेफिनेटली जो जितनी भी सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं वो सारी चीज़ें बताने की इसमें ट्राई करिए एंड स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि बहुत ज़्यादा तेज चलता है माइंड और वो एक्चुअली एनिमेशन वे में भी उस चीज़ को करके दिखाया सो इट इज़ लाइक दैट एंड ही इज़ वेरी लाइक ब्लेस्ड पर्सन जो गॉड गिफ्ट इनको मिला है रैपिंग का सो हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा टैलेंट हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज मिलती है इनकी साइड से ही इज डूइंग सो ग्रेट जॉब एंड लाइक ये चीज होती है लाइक कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है कुछ भी होगा उसका कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम उसमें उसकी बुली होती है और कोई भी मतलब लोग उनको परेशान करते हैं उनको बुली करते हैं उनको अलग अलग नाम से चिढ़ाना देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स सो नाइस और फिर बाद में जो करके दिखाते हैं तो एवरीवन इज लाइक ओह माय गॉड दिस इज दैट पर्सन जिसको हम परेशान करते थे वाओ मतलब वो फीलिंग ही अलग होती है नहीं सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड वीडियो इज ऑलरेडी सो लॉन्ग आई थिंक आई शुड स्टॉप राइट नाउ एंड या इफ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर टू हिट अ लाइक बटन ऑन माय टुडेज वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऑल्सो इन द पिन कॉमेंट सेक्शन सो जस्ट गो एंड फॉलो मी इफ यू वॉन्ट सो या दैट्स इट फॉर टुडे आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टेक केयर गाइस एंड बाय बाय